दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। लॉकडाउन के अंदर घर में ही रह रहे हो आप लोग? मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग परिवार से सुरक्षित रहें। और इस लॉकडाउन में हम लोगों की पढ़ाई वीक ना हो, इस वजह से आज मैं आपको एक पहला वीडियो आपको दे रहा हूँ। वोकैब्स के मामले में अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपके कम्बिनेशन के क्षेत्र में जितने भी है ना पेपर हुए हैं, पूरा इंग्लिश आपका दो पार्ट पे है ना टिका हुआ है। एक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच और दूसरा पार्ट है वॉकेब्स। आज मैं आपको ये जो वीडियो दे रहा हूँ, ये आज मैं कुछ वॉकेब्स लेके आया हूँ। देख, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा अपने तरीके से, अपनी स्टाइल में, कुछ क्रिएटिविटी करके, ताकि आप उसको रट्टा फिक्सर ना कर सकें, आप उसको हंसते खेलते कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करके उस वर्क के वॉकेब्स को याद कर सके। ठीक, वॉकेब्स के मामले में अगर हम बात करें तो इंग्लिश के पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट सेगमेंट है आपका वर्ड पावर का। और अगर वर्ड पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को सरल कर सकते हो इंग्लिश के लिए। ठीक है, अभी मैं फिलहाल आपको जो इस समय बहुत अपडेटेड वर्ड इस समय हर न्यूज़ चैनल पे आप लोग देख रहे होंगे, हर समय सुन रहे होंगे, वो पहले मैं आपको थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन दे दूँ। जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे COVID-19 वर्ड पावर, जो इस समय खुद है ना न्यूज़ चैनलों में आप लोग देख रहा है, जिसमें से पहला वर्ड मैंने लिखा हुआ है क्वारंटाइन। ये वर्ड आप लोग खुद सुन रहे हो। इसके अगर मीन्स की बात हम समझें तो क्वारंटाइन का मतलब होता है प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन से रोकना, बचाव करना, वो क्वारंटाइन कहलाता है। ठीक है, दूसरा वर्ड है आपका आइसोलेशन। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी संक्रमित है ना मरीज COVID-19 का होता है तो उसे आइसोलेशन वाले वार्ड पे ना शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी आइसोलेट कर दिया जाता है। आइसोलेट जिसका मतलब होता है सेपरेटेड, यानी अलग कर देना। उसके बाद अगर हम और वॉकेज की बात करें तो एक वर्ड आप लोग खूब सुन रहे हो न्यूज चैनलों पर, सैनिटाइजेशन। और सैनिटाइजेशन, रिफाइनमेंट, क्लिंजिंग, इन तीनों के तीनों ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, और जिनका मतलब होता है साफ करना, यानी कि आप है ना पूरी तरीके से साफ सुथरा बनाए रखें ताकि ये वायरस कम से कम आपको इफेक्ट कर सके। तो सैनिटाइजेशन, रिफाइनमेंट और क्लिंजिंग, ये तीनों के तीनों सिनोनिम्स हैं। रिफाइनमेंट याद कराने के एक छोटा तरीका बताऊं, कि आप लोगों ने रिफाइनरी सुनी होगी, जिसमें से हम कहते हैं कि कच्चा तेल लेके आते हैं और उसको रिफाइन करके फिर हम अपने यूज के लिए उस तेल को बनाते हैं। तो उसी रिफाइनरी वर्ड से आप ये रिफाइनमेंट याद कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर उस तेल को साफ सुथरा किया जा सकता है। क्लिंजिंग, क्लीन से बना हुआ वर्ड है, ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हो कि साफ सुथरा के लिए हम क्लिंजिंग वर्ड यूज करते हैं। एक बीच में वॉकअप रह गई है डीकंटेमिनेशन। कंटेमिनेट भी एक वॉकअप है जो आपके शायद केमिस्ट्री वगैरह में भी यूज होता रहता है। ये कंटेमिनेट मतलब पॉल्यूटेड होता है, यानी प्रदूषित होता है। और उसी में मैंने आगे डी, ये कुछ है ना आपके प्रीफिक्स होते हैं जो इसका उल्टा मतलब निकालते हैं, कि डी यहाँ पे जुड़ गया, यानी कि रिमूव उल्टा हो जाएगा, रिमूविंग द इंजूरियस अफेक्ट, डिकंटामिनेट करना, यानी कि हम है ना जो भी हानिकारक चीज़ें हैं उसको, प्रभाव को दूर कर सके, रिमूव कर लें, वो डिकंटामिनेट कहलाता है। नेक्स्ट एक वर्ड है कंटाजियस। कंटाजियस जिसको शुद्ध हिंदी में संक्रमण बोलते हैं, और संक्रमण याद करने के लिए इस वर्ड को याद करना है तो देखिएगा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कुछ मेरी क्रिएटिविटी ध्यान दीजिएगा कि इस जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया ये पूरा वॉकअप सब मिल गया, कॉन्टैक्ट यानी कि स्प्रेड बाई कॉन्टैक्ट, यानी संक्रमण से जो चीज फैलती है वो कंटाजियस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है पैंडेमिक, और ये एपिडेमिक, ये आपके है ना एग्जाम में भी वन वर्ड के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। पैंडेमिक और एपिडेमिक, ये दोनों को ही हम हिंदी में महामारी कहते हैं। अगर आप देखोगे हिंदी की डिक्शनरी में तो ये महामारी शो करता है, लेकिन इन दोनों में अंतर इतना है कि पैंडेमिक जो होता है वो स्प्रेड इन द वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो पूरे वर्ल्ड में या अधिकांशता देशों में, कंट्री में फैली हो, वो पैंडेमिक कहलाती है। एक छोटा सा और तरीका इसको याद करने का मैं आपको बताऊं, कि इसमें एक वर्ड है PAN,
जिसे आपने रूट वर्ड सुना होगा, वोकैब्स की जड़ कि किसी भी स्पेलिंग में अगर पी एन निकल के आता है तो उसका ज्यादातर सेंस ऑल से या यूनिवर्स से निकलता है, यानी कि वही मतलब यहाँ पे निकल रहा है वर्ल्ड से, कि पैंडेमिक जो पूरे संसार में फैला हुआ होता है वो पैंडेमिक कहलाता है। इस समय COVID-19 जो है वो पैंडेमिक है। और दूसरा एक वर्ड है एपिडेमिक। एपिडेमिक भी महामारी की श्रेणी में आता है, लेकिन उसे आप है ना कह सकते हो कि एक ऐसा डिसीज जो पर्टिकुलर एरिया में फैला हुआ हो वो आपका एपिडेमिक कहलाता है। जैसे अगर एग्जांपल दूं तो शायद गोरखपुर साइड में ना अक्सर है ना एक मियादी बुखार अक्सर आता रहता है, वो एक लोकल एरिया में फैला हुआ रोग है जिसे हम एपिडेमिक कहते हैं। एक नेक्स्ट वर्ड इसमें आया है आपका एंटीडोट। एंटीडोट ये भी आपका एक रूट वर्ड है एंटी, जहां अंडरलाइन किया वो ध्यान दीजिएगा। एंटी एंटी किसी भी स्पेलिंग में आ जाए उसका सेंस अगेंस्ट से निकलता है, यानी विरोध से निकलता है। इसी के साथ में और भी कई एग्जांपल आपको मिल सकते हैं। जैसे एक वर्ड आप लोग एंटीपैथी सुना करते हो, या आपके कंडीशन के क्षेत्र में कई बार रिपीट हो चुका है सिनोनिम से एंटोनिम या वन वर्ड के रूप में। इसमें भी एक वर्ड आया एंटी। एंटी किसी भी स्पेलिंग में आएगा उसका सेंस अगेंस्ट से निकलता है, यानी विरोध से निकलता है। साथ ही साथ ये भी पूर्व वोकैब्स के आगे जो पैथी लिखा हुआ है ये भी रूट वर्ड है, और पैथी किसी भी स्पेलिंग में आता है तो उसका ज्यादातर सेंस फीलिंग से निकलता है। ध्यान देना इस वर्ड को कैसे याद कर सकते हो, बिल्कुल सरल तरीके से। एंटी मतलब अगेंस्ट, पैथी मतलब फीलिंग्स, यानी कि किसी भी के खिलाफ अगर फीलिंग्स आ रही है तो वो एंटीपैथी है, और किसी के खिलाफ फीलिंग्स तभी आती है जब वो आपका क्या होता है, शत्रु होता है, यानी एंटीपैथी मतलब शत्रुता के सेंस के लिए यूज करते हैं। इसी के और एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप लोगों ने है ना सिंपैथी वर्ड सुना होगा, उसमें भी पैथी वर्ड जुड़ा हुआ है, और पैथी यानी कि फीलिंग, सिंपैथी मतलब सहानुभूति, और सहानुभूति भी एक प्रकार का फीलिंग्स है। तो याद रखिएगा ये रूट वर्ड है एंटी कहीं पे भी है अगेंस्ट का सेंस, और पैथी कहीं पे भी है फीलिंग्स का सेंस। वही वर्ड यहाँ पे एंटीपैथी है, और एंटीपैथी जो आता है वो दुश्मनी के सेंस के लिए, और वही वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है एंटीडोट। एंटी मतलब अगेंस्ट, और अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, यानी पॉइजन के, यानी बहुत सारे डॉक्टर लोग है ना इस COVID-19 के वायरस को खत्म करने के लिए उसके अगेंस्ट एक एंटीडोट का रिसर्च कर रहे हैं। वो वर्ड आपको अक्सर न्यूज चैनल में सुनता मिल रहा होगा। अगला वर्ड है सिम्टम। सिम्टम जैसे हम शुद्ध हिंदी में लक्षण बोलते हैं, यानी कि जो आप इस समय सुन रहे होगे कि किसी को खांसी या जुखाम और या फीवर वगैरह आता है तो उसको कोरोना हो सकता है, वो वायरस हो सकता है, तो उसी को हम इंग्लिश में सिम्टम बोलते हैं, दैट विच इंडिकेट्स डिसीज। तो ये कुछ ऐसा वर्ड थे जो इस समय आप लोग अक्सर सुना करते हैं। एक बात मैं आपको हमेशा बता दूं कि अपडेटेड वर्ड एग्जाम में ज़्यादातर अपडेटेड वर्ड या रिपीटेड वर्ड अक्सर आपके पेपर में पूछ ली जाती है, जिसकी वजह से मैंने आपको ये थोड़ा सा आपको यहाँ डिस्क्राइब किया वोकैब्स को। और इसी के आगे अगर हम चलते हैं तो मैंने कहा कि आज मैं आपको वोकैब्स पढ़ा रहा हूँ, वर्ड पावर पढ़ा रहा हूँ, तो वोकैब्स भी मैं आपको कई तरीके से पढ़ाता हूँ। उनमें से है ना एक आपका हेडिंग में डलवाता हूँ रिटेल वर्ड। रिटेल मतलब जिसे हम फुटकर बोल सकते हैं, मैं एंटोनिम सिनोनिम हेडिंग नहीं डलवाता हूँ। रिटेल मतलब फुटकर, यहाँ कुछ फुटकर की वोकैब्स हैं, उनके आगे मैंने एक सिनोनिम भी लिखा है। ध्यान से सुनिएगा इनका एक कुछ ना कुछ, इनमें मैं क्रिएटिविटी बताऊंगा, जहाँ क्रिएटिविटी नहीं है वहाँ आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश ऐसी है, वोकैब्स ऐसी है कि हम बचपन से लर्न करते चले आ रहे हैं, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं आपको कम से कम लर्न कराऊँ और थोड़ा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करके मैं इसको याद कराने की कोशिश करूँ। फिलहाल एक हेडिंग मैंने यहाँ पर रिटेल वर्ड डाली। थोड़ा सा मैं आपको और आगे भी बताना चाहूंगा कि रिटेल वर्ड के अलावा मैं आपको कुछ और भी हेडिंग डलवा के है ना कुछ वोकैब्स बताता हूँ, जिनमें से है ना एक हेडिंग मैं आगे के लेक्चर में आपको और दूंगा, जो वो है होमोफोन्स। होमोफोन्स मतलब कि सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स। ज्यादातर ये वोकैब्स है ना आपके फिलिंदा ब्लैंक में SSC वगैरह के एग्जाम में भी खूब पूछी जाती है। मैं एक हेडिंग और डलवाता हूँ जिसे मैं वर्ड पावर बोलता हूँ। इसमें मैं एक छोटा सा ग्रुप लेता हूँ और उस ग्रुप से संबंधित सिनोनिम सारी लिखने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको याद रहे कि अगर वोकैब्स किसी पेपर में आता है तो वो कौन से ग्रुप का, एटलीस्ट इतना आपको ध्यान में रखना होगा।
वर्ड पावर के अलावा मैं आप लोगों को वन वर्ड के रूप में भी कुछ वाक्य बताऊंगा, ठीक, जिसे हम लोग है ना वन वर्ड यानी कि एक अनेक शब्दों में एक शब्द के लिए हम वन वर्ड यूज करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं। इस हेडिंग में भी मैं कुछ वाक्य आपको करवाता हूँ। एक हेडिंग आपकी रिटेल वर्ड होगी, तो इस तरीके से मैं कुछ है ना डिफरेंट टाइप से है ना वाक्य कराने की कोशिश करता हूँ। अभी फिलहाल मैं आपको एक हेडिंग करवाया हूँ रिटेल वर्ड, उनमें से पहला वर्ड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुछ पुराने पेपरों में आपको ये मिल जाएगी, जिसे हम जेस्ट कहते हैं। जेस्ट मतलब एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म बहुत पॉपुलर वर्ड है। एंथुजियाज्म मतलब कि जोश होता है, उत्साह होता है, यानी जेस्ट का मतलब जोश और उत्साह। अब ध्यान से सुनना, इसको याद करने का एक तरीका, जेस्ट आप लोगों को मार्केट में भी मिल जाएगी ये वॉकर, शायद ये है ना एक फोर व्हीलर का नाम है, शायद होंडा या हुंडई किसी एक गाड़ी का नाम है जेस्ट। यानी कि मैं आपको एक और थोड़ा सा बात बताऊं कि 30% सिलेबस के वॉकर्स आपके आसपास हैं, आपके फोर व्हीलर में, आपके टू व्हीलर में, आप जो घर में साबुन यूज करते हो, आप जो घर में है ना परफ्यूम लगाते हो, जो आप घर में और दूसरे प्रोडक्ट यूज करते हो, 30% सिलेबस के वॉकर्स आपके आस पास रहती है। जैसे यहाँ पर मैंने फोर व्हीलर का नाम दिया जेस्ट, ठीक, और जेस्ट यानी एक फोर व्हीलर है, किसी के घर में आते तो बहुत ही जोश और उत्साह में है ना वो खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, तो उससे आप इस वर्ड को याद करोगे। इसका एक एग्जांपल और, तो मेरे घर में भी एक बाइक है और वो बाइक है एवेंजर। एवेंजर ये वो बाइक भी, इसका भी एक मीन्स है, और एवेंजर का मतलब जो होता है वो होता है जस्ट पनिशमेंट। यानी कि बेटा अगर इसको ध्यान से हिंदी की डिक्शनरी में देखोगे तो एवेंज मतलब बदला लेना होता है, यानी पनिशमेंट देने के सेंस के लिए हम एवेंजर वर्ड यूज करते हैं। और इसको याद करने का एक फिर तरीका है कि आपके एक हॉलीवुड की बहुत ही सुपरहिट मूवी है एवेंजर्स, एवेंजर्स में भी शायद उस मूवी में भी यही सब चीज होती है कि वे दूसरे ब्रह्मांड के जो लोग होते हैं और आपके पृथ्वीवासियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उनको है ना क्या करते हैं ये लोग मिलकर पनिशमेंट देते हैं। तो एवेंजर बाइक भी है जिसका मतलब होता है पनिशमेंट। एक स्कूटी भी है मेरे पास और वो स्कूटी है माइस्ट्रो। माइस्ट्रो भी एक मीन्स लिया होता है, और शायद मेरे ख्याल से 2016-17 के LDC के पेपर में ये सिनोनिम्स ग्रुप में होकर पूछी जा सकती है। और माइस्ट्रो मतलब होता है मेंटोर, और मेंटोर मतलब मास्टर, टीचर जिसे आप कहते हैं। तो ये सिर्फ आपको एनकरेज करने के लिए मैं एक आपको बात बता रहा हूँ कि आपके आसपास कहीं पे भी कोई वॉकर दिखे तो आप बिल्कुल उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, आप डिक्शनरी में आपको उसको सर्च कीजिए, शायद आगे आने वाले पेपर में वो वॉकर्स आपको मिल जाए। तो माइस्ट्रो मतलब मेंटोर होता है और एवेंजर मतलब पनिशमेंट। उसी तरह से मैंने आपको ये है ना आपको बताई जेस्ट मतलब कि जोश या उत्साह के सेंस। नेक्स्ट वॉकर्स की तरफ बढ़ते हैं, एबेस बड़ा पॉपुलर वर्ड है। एबेस मतलब इंसल्ट होता है, झिड़कना होता है, बेइज्जती करना होता है। और इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका मेरी स्टाइल में, अगर मेरे पुराने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद इस स्टाइल को सूर्या स्टाइल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मेरा नाम सूर्या है, इसको मजाक में ले लीजिएगा। बाकी है ना एबेस को याद करने के लिए मेरी स्टाइल में ये देखिएगा, जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ एस के नीचे अंडरलाइन किया, और एस से आप ऐश्वर्या राय को जानते होंगे। ऐश्वर्या राय आप शायद छोटे छोटे रहे होंगे तो ऐश्वर्या और सलमान खान के बीच में है ना आप लोग कुछ कहानी सुना करते हो, इन दोनों के बीच में तगड़ा अफेयर हुआ करता था, और अटकलें ये लगाई जाने लगी थी कि ऐश्वर्या और सलमान एक दूसरे से शादी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐश्वर्या ने ध्यान देना, ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन से शादी करके सलमान खान की इंसल्ट कर दी। सिर्फ ये मेरी बातें याद रखना, और इन बातों से ही आपको ये वॉकअप याद रहेगी। एबेस मतलब कि सलमान खान की इंसल्ट होगी, और किसने की, ऐश्वर्या ने, किसकी वजह से, अभिषेक बच्चन से शादी करके। तो एबेस मतलब इंसल्ट करना होता है, बेइज्जती करना होता है। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, जो अवेड, अवेड मतलब कमी होती है, छूट देना होता है। और इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका देखना, वॉकेट्स के अंदर ही मैं प्रेटिटी करूंगा, ध्यान से मेरी बातें सुनना, कि पहले मैं 10 रोटी खाता था, पहले मैं 10 रोटी खाता था। अब ध्यान दीजिएगा, अब ए भी लगा हुआ है ना, इसको मैं अब बोल रहा हूँ, और अब मैं 8, ये देखिए 8 मतलब 8,
खाता हूँ, ईट एट ईटेन यानी खाने की सेकंड फॉर्म है, पहले 10 खाता था अब 8 खाता हूँ, यानी कि क्या हो गई, कमी हो गई, यानी एबेट मतलब कमी के सेंस के लिए यूज करते हैं। और इसी का एक सिनोनिम सबसाइड लिखा हुआ है, और ये आपके पेपर में आ जाए तो आप इसको नई वोकैब समझें, जबकि नई कुछ भी नहीं है। आप लोग सिलेंडर लेने जाते हो तो आपको जो सिलेंडर मिलते हैं वो सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलते हैं, यानी सरकार कुछ चीज़ों को, कुछ जरूरी चीज़ों को है ना पूरे रेट पे खरीदती है, लेकिन वो आम जनता को कुछ छुटकारा, कुछ एग्जेंशन दे के, कुछ छूट दे के है ना आप चीज़ों को उन चीज़ों को आपको देती है, जिसे हम सब्सिडी कहते हैं। कि आपके अकाउंट में जो सब्सिडी का पैसा आता है, यानी वो छूट का पैसा आता है, तो एबेट मतलब कमी होती है, छूट होती है। नेक्स्ट वर्ड हम यूज देख रहे हैं एभोर है। एभोर मतलब कि घृणा करना होता है, झिड़कना होता है, डिटेस्ट मतलब होता है। और इसको याद करने के लिए मेरी बातें थोड़ी सी याद रखना कि ठंडी का टाइम है और भोर भोर देखिए अंडरलाइन यहाँ कर रहा हूँ, भोर मतलब सुबह सुबह अगर कोई जगा देता है तो बस इतनी तेज गुस्सा आती है कि मन करता है कि उसको झड़क दें, डिटेस्ट कर दें, यानी उससे घृणा होने लगती है। तो डिटेस्ट मतलब घृणा होता है, भोर मतलब घृणा होता है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है एबोर्ड। एबोर्ड ये निवास स्थान के लिए, रहने के लिए हम यूज करते हैं। इसी का आगे एक सिनोनिम मैंने लिखा है ड्वेलिंग, ये भी इस समय बहुत वर्ड चल रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी में यानी नए नए जो इस समय फ्लैट वगैरह बन रहे हैं उनकी कंपनियों में मैंने कभी कभी ये वॉकअप देखी हुई है, ड्वेलिंग। और एबोर्ड याद करना है, और एबोर्ड आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि एबोर्ड यानी एब्रोड, आपका जो निवास स्थान है वो एब्रोड में है, यानी निवास स्थान के लिए हम एबोर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल भी एबेस का सिनोनिम्स है। एबोमिनेबल, एबोर और एबेस ये तीनों सिनोनिम्स है। तीनों का ही मतलब घृणा करना होता है, इंसल्ट करना होता है। और कितनी बड़ी वर्ड को देखिएगा, मेरी स्टाइल से याद करने का तरीका, मैं इसको पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, अपनी स्टाइल में इसको पोस्टमार्टम बोलता हूँ। मैंने अंडरलाइन यहाँ की पहले, बहुत ध्यान से देखिएगा, एबल। एबल का मीन्स की बात करें तो एबल मतलब योग्य होता है, और फिर उसके आगे मैंने अंडरलाइन की ए बी पर। ए बी एक प्रीफिक्स है, कुछ वॉकर्स हैं जिनके प्रीफिक्स के रूप में कुछ वर्ड जुड़ते हैं तो उनका ज़्यादातर सेंस उल्टा निकलता है, यानी ना का सेंस। ज़्यादातर बोल रहा हूँ मैं, 100% नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक आपको याद कराने का तरीका है। एबल मतलब योग हो गया, ए बी मतलब नहीं। जैसे एग्जांपल दूँ, नॉर्मल का उल्टा है नॉर्मल बोलते हैं, फॉर्चुनेट का उल्टा अनफॉर्चुनेट बोलते हैं, लीगल का उल्टा इलीगल बोलते हैं। तो ये कुछ प्रीफिक्स वर्ड हैं जो आपको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, ये वर्ड जुड़ जाते हैं। तो एबल इस वॉकअप में फिर से आइए जरा, एबल मतलब योग्य और एबी मतलब नहीं, यानी जो योग्य ना हो। ध्यान देना किसके, अंडरलाइन यहाँ कर रहा हूँ, इसको जरा हिंदी में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, मीना मीना मीना, ध्यान दीजिएगा। वो बंदा, सुनना मेरी बात, वो बंदा जो मीना के योग्य नहीं है, मीना के योग समझ में तो आया नहीं होगा, देखो ध्यान से, वो बंदा जो मीना के योग्य नहीं है, क्यों नहीं है मीना के योग, क्योंकि वो घिनौना है, क्योंकि वो तुच्छ है, क्योंकि वो नीच है, क्योंकि वो घृणित है, यानी कि हैट्रेड डिसलाइक के सेंस के लिए हम इस वॉकअप का यूज करते हैं एबोमिनेबल। और इसी का सिनोन डिटेस्टेबल, ये डिटेस्ट वर्ड मैंने पहले भी पढ़ाया आपको, घृणा के सेंस के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं, डन। नेक्स्ट वर्ड है एबोरिजिनल। ध्यान सुनना मेरी बातें, बस याद रखना, आपको वॉकअप थोड़ा सा याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूँ कि यार रट्टा फिगेशन, रट्टा फिगेशन बचपन से जरूर करते चले आ रहे हैं, वॉकअप में वही आदत बनाए और आज भी वही चीज़ आप लोग अपनाने की कोशिश करते हो। लेकिन एकेडमिक में हमारा जो सिलेबस था वो सिलेक्टेड था, लेकिन कंडीशन में नहीं। मैं तो अपने बच्चों को सलाह देता हूँ कि कम से कम 10,000 वॉकअप से याद होनी चाहिए कंडीशन, अगर SSC का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो 10,000 वॉकअप हम ऐसे रट्टा फिगेशन नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी मेरी बातों को कुछ ऐसे क्रिएटिविटी करके आप इनको याद करें, क्योंकि मैं अक्सर बच्चों से सुना करता हूँ कि भैया याद तो किया था, पढ़ी हुई लग रही है, लेकिन हम उसका आंसर नहीं दे पाते हैं।
मैटर यही है कि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो पक्का है भूल जाओ, लेकिन ये है कि कुछ है इसमें क्रिएटिविटी से कुछ दिन तक याद रखा जा सकता है, लेकिन रिवीजन जरूर करना होगा। तो एबोरिजिनल अगले वर्ड की ओर पढ़ते हैं। तो एबोरिजिनल लिखा हुआ है, एबोरिजिनल मतलब प्राचीन होता है, नेटिव नेटिव मतलब राष्ट्रीय। और इसको याद करने का तरीका कि प्राचीन चीजें जितनी भी होती हैं वो सब ओरिजिनल हुआ करती है। अंडरलाइन देखिएगा आप लोग, अंडरलाइन कर लेना अगर इन वर्ड को फिर से आप लोग अगर पढ़ो तो। ओरिजिनल जितनी भी चीज, ओरिजिनल वो चीजें होती हैं जो प्राचीन होती हैं। तो पुराने के सेंस के लिए, प्राचीन के सेंस के लिए हम एबोरिजिनल वर्ड यूज करते हैं। अगला वर्ड है एबोर्टिव। एबोर्टिव मतलब निष्फल होता है, बेकार होता है, यानी अनप्रोडक्टिव होता है। और एक सिनोनिम मैंने लिखा है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब ये है ना, निष्फल के सेंस के लिए, बेकार के सेंस के लिए, अनप्रोडक्टिव के सेंस के लिए यूज करते हैं। और इस वर्ड को याद करने का एक तरीका बताऊं, एबोर्टिव यही अगर आप है ना एडजेक्टिव के रूप में पढ़ें तो एबोर्टेड भी लिखा हुआ आप लोग देखते हो। और एबोर्टेड मैं बताऊं आपको कहाँ लिखा मिलता है या एबोर्ट कहाँ लिखा मिलता है। ये जो मोबाइल फोन आते हैं, स्मार्टफोन नहीं नॉर्मल फोन होते हैं, मेरे पास पहले इंटेक्स का एक मोबाइल था, मैंने किसी को कॉल किया और वो कॉल उठा नहीं पाया, उधर पिक नहीं हो पाया, मैंने कॉल को कट कर दिया तो मेरे स्क्रीन पर लिख के आता था कॉल एबोर्टेड, यानी वो कॉल क्या हो गई, निष्फल हो गई, बेकार हो गई। एक और तरीका है इसको याद करने का, आप लोगों ने एबोर्शन वर्ड सुना होगा। एबोर्शन यानी जिसे हम भ्रूण हत्या बोलते हैं, यानी उस एबोर्शन में भी क्या कर देते हैं हम लोग कि है ना उस मटेरियल को क्या कर देते हैं, निष्फल कर देते हैं, बेकार करते हैं। तो एबोर्शन वर्ड भी इसी वर्ड से बना हुआ है। फ्यूटाइल इसी का सिनोनिम। फ्यूटाइल से मुझे किसी का एंटोनिम्स याद आया, फर्टाइल सुना होगा आप लोगों ने। फर्टाइल जस्ट इसका अपोजिट है, उर्वरक जिसे बोलते हैं। आप फर्टिलाइजर सुने होंगे, जैसे हमारे कानपुर में दादानगर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, उसमें खाद बनती है, उर्वरक बनते हैं, तो वो फर्टिलाइजर हुआ यानी उपयोगी हुआ। और फ्यूटाइल उसका अपोजिट हो जाता है, जो निष्फल होता है, बेकार होता है। ठीक, एबोर्टिव उसी का ही सिनोनिम्स है, एबोर्शन से इसको याद रखिएगा। अगला वर्ड है अप्रेसिव। अप्रेसिव रूड होता है ना, यानी जो अच्छे से बात नहीं करता है। और एब्रेसिव बंदे, ध्यान सुनना कैसे याद कर सकते हैं, एब्रेसिव बंदे अग्रेसिव होते हैं। एब्रेसिव बंदे अग्रेसिव होते हैं, अग्रेसिव मतलब उग्र होते हैं, रूड होते हैं। तो उस वर्ड को आप ऐसे याद रखो। नेक्स्ट वर्ड है एब्रिज। एब्रिज मतलब कमी के सेंस के लिए यूज करते हैं। और इसको याद करने का तरीका ये देखिए, मैं जहां अंडरलाइन कर रहा हूँ जरा इसको प्रोनाउंसिएट कीजिए, ब्रिज। और ब्रिज मतलब पुल, और पुल अगर बन जाता है तो वो रास्ता कम हो जाती है। किसी नदी पे पुल बना दिया जाए तो हम रास्ता आसानी से निकाल लेते हैं, तो वो ब्रिज से ही है। ब्रिज वर्ड याद रखना, रिड्यूस यानी कमी के सेंस के। और इसी का सिनोनिम्स है आपका एबेट, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, एबेट मतलब कमी। अगला वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब डिस्ट्रॉय होता है, उसी का एक सिनोनिम्स एबोलिश है। अब इसमें मेरे पास है ना कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है, आप है ना इसको है ना अपनी क्रिएटिविटी से याद कर सकते हो। फिर भी एक छोटी सी है ना बता सकता हूँ कि जब सब नष्ट हो गया तो आप क्या हो गए, रो, आप ओ के नीचे देखिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, यानी रोने लगोगे। तो वही है एब्रोगेट, याद रखना भैया, डिस्ट्रॉय होता है, एबोलिश होता है। एबोलिश का एक भाई और सुना होगा आप लोगों ने, डिमोलिश। मैं इंपेयर वर्ड को भी याद कराने की कोशिश करता हूँ। एक भाई था एबोलिश, एक भाई था डिमोलिश, और इनके पप्पा थे ओलिस, ध्यान देना, यानी इनके देख लो सफिक्स जो है वो सेम है, इसलिए उनको एक राइमे वर्ड में बनाने की कोशिश की। एबोलिश डिमोलिश एप्रोप्रिएट, ये डिस्ट्रॉय के सेंस के लिए, नष्ट होने के लिए यूज करते हैं। अगला वर्ड है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब कि फरार होना होता है। और इसको याद करने का तरीका है, जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ देखिए उसको प्रोनाउंसिएट कीजिए, कॉन्ड।
कौंड को क्या आप कांड पढ़ सकते हो? और अगर क्रिमिनल कोई कांड करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं। इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। एब्सकॉन्ड मतलब फरार होना, वही एक सिनोनिम मैंने लिखा है फ्ली। अभी आपने एक फ्रेजल वर्ब सुनी होगी। न्यूज़पेपर में भी, इंग्लिश के न्यूज़पेपर में भी अगर कोई क्रिमिनल फरार हो जाता है तो उसे हम एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल बोलते हुए, एब्सकॉन्डिंग क्रिमिनल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ लिखे हुए देखा है, इंग्लिश के न्यूज़पेपर में। एब्सकॉन्ड मतलब फरार। नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल। एब्सोल मतलब क्षमा के सेंस के लिए यूज करते हैं। और इसको एक छोटा सा याद करने का तरीका है कि उसका केस जो हो गया वो सॉल्व हो गया है, तो सॉल्व के नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसे क्षमा मिल गई है, उसी से वर्ड को याद रखोगे। एब्सोल मतलब फॉरगिव। नेक्स्ट वर्ड है एकोलेट। एकोलेट मतलब प्रशंसा करना होता है, सम्मान करना होता है, स्तुति करना होता है। अब इसमें मेरे पास कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, आप अपनी क्रिएटिविटी से इसको याद कर सकते हो। एकोलेट ऑनर के सेंस के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इधर आइएगा जरा, एक्मे वर्ड मैंने लिखा हुआ है। एक्मे मतलब कि पीक होता है, चोटी होती है, ठीक। अच्छा, एक्मे से मुझे कुछ और चीजें याद आ रही हैं कि एक्मे के सिनोनिम्स की बात करें तो आपके है ना आसपास कई सारे कोचिंग सेंटर हैं जिन्होंने नाम इसी के सिनोनिम्स में रखा हुआ है। जैसे आप लोगों ने है ना वर्टेक्स सुना होगा, आप लोगों ने पैरामॉन सुना होगा, आप लोगों ने जेंटेक्स सुना होगा, आप लोगों ने क्या कहते हैं वर्टेक्स सुना होगा आप लोगों ने, तो ये सारी कोचिंगों के नाम, असेंट सुना होगा आप लोगों ने, ये सारी कोचिंगों के नाम जो हैं वो लगभग एक्मे के सिनोनिम्स हैं। इनका मतलब होता है शिखर होता है, चोटी होती है, ऊंचाई होती है। पिनाकल इसी का ही सिनोनिम से जोड़ा पॉपुलर वर्ड है। और एक्मे मतलब पीक होता, पीक पता ही है चोटी होती है। और इसको याद करने का एक तरीका, आप देखते होंगे कि कॉस्मेटिक में एक ब्रांड है लैक्मे, एक्मे मतलब कि लैक्मे। और इस समय आप देखते होंगे ये ब्रांड कहाँ पे है, शिखर पे है, चोटी पे, डन। तो ये एक्मे लैक्मे से इसको याद रखना, पीक के सेंस के लिए हम यूज करते हैं। अगला वर्ड है एकॉस्टिक्स। ये है ना आप लोगों को एकॉस्टिक्स, ये वन वर्ड के रूप में भी पूछा जा सकता है। एकॉस्टिक्स मैं तो कोई लॉजिक नहीं मेरे पास, लेकिन इसी का एक सिनोनिम्स है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स मतलब होता है ध्वनि शास्त्र। एकॉस्टिक्स और फोनेटिक्स दोनों सिनोनिम्स है, वन वर्ड के रूप में पूछा जाता है, जिसे ध्वनि शास्त्र बोलते हैं। द स्टडी ऑफ साउंड वो एकॉस्टिक्स या फोनेटिक्स कहलाता है। फोनेटिक्स में एक रूट वर्ड भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, फोन, फोन के नीचे अंडरलाइन किया। और फोन किसी भी स्पेलिंग में लगा हो तो उसका सेंस साउंड से निकलता है, किसी भी स्पेलिंग में। आपको कुछ और वर्ड भी बाद में बताऊंगा जो इस रूट वर्ड को पाएंगे, जैसे केकोफोनी एक वर्ड है, केकोफोनी में भी फोन वर्ड आ रहा है जिसका मीन्स होता है कर्कस आवाज, हार्स साउंड के सेंस के लिए हम केकोफोनी यूज करते हैं। तो कहने का मतलब कि ये देखिए मैंने अभी होमोफोन्स भी लिखा हुआ है, इसमें भी देखिए फोन आया है वर्ड, और इसका मतलब होता है होमोफोन्स सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग। साउंड सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है, यानी इस फोन की वजह से इसके मीन्स में भी साउंड का सेंस निकल रहा है। तो फोन याद रखिएगा, रूट वर्ड है, किसी भी स्पेलिंग में साउंड का सेंस निकलेगा। तो एकॉस्टिक्स और फोनेटिक्स ये दोनों सिनोनिम्स हैं, और इनका मतलब ध्वनि शास्त्र होता है। सिनोनिम में नॉन लिखा, ऑडिबिलिटी यानी ऑडियो से बना हुआ वर्ड है, यानी सुनने के सेंस के लिए यूज करते हैं। अगला वर्ड है एक्विड। एक्विड को याद मतलब होता है फ्री फ्रॉम क्राइम, यानी फ्री फ्रॉम क्राइम, रिहा होना, बरी हो जाना। अच्छा, एक्विड आपका एब्सोल्व का भी सिनोनिम्स है, जज ने उनको रिहा कर दिया, यानी कि वो क्या हो गया, रिहा हो गया, फ्री हो गया क्राइम से, यानी कि फॉरगिव हो गया, जज ने उसको माफ कर दिया, वो एक्विड कहलाता है। इसको याद करने का तरीका बताऊं तो इस वॉकेब को मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं, और ध्यान से सुनना है क्या इसमें निकल के आ रहा है, कौन सी वॉकेब निकल के, क्या कनेक्शन है। तो देखिए जहां अंडरलाइन कर रहा हूं तो ये क्विट लिखा हुआ है। अब क्विट मतलब क्या होता है, तो होमोफोन जैसे मैंने अभी आपको हेडिंग डलवाई थी होमोफोन्स, तो वही होमोफोन्स ही मैं आपको क्विट के कुछ होमोफोन बता रहा हूं। मैं ध्यान दीजिएगा इसको,
ये होमोफोन पढ़ने में बड़े मजा आते हैं। मैं आपको और भी लेक्चर में है ना ये होमोफोन और बताऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ क्विड नजर आया, तो क्विड के तीन होमोफोन्स हैं। एक आपका ये क्विड होता है, एक आपका ये क्वाइट होता है, और एक आपका ये क्वाइट होता है। ये तीनों क्विट क्वाइट ये आप लोग पढ़े जरूर हो गए, लेकिन जब एक साथ आ जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें छोड़ने वाला कौन सा है, इसमें शांति वाला कौन सा। और एक क्वाइट मतलब होता है कंप्लीट के सेंस के लिए, पूर्णता के सेंस के लिए यूज करते हैं। अब देखो इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका मेरी स्टाइल में, समझ लीजिए QUIT QUIT QUIT। ये चार लेटर जो हैं वो सम में है। लोचा जो दिख रहा है मुझे ई का दिख रहा है। पहले वाले में देखिएगा, ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा, पहले वाले में ई छूट गया, पहले वाले में ई छूट गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, छोड़ना। इसमें ई छूट गया उसका मतलब छोड़ना। इधर देखिए इसमें ई अंदर बैठा, मेरी बातें सुनिएगा, बातों से वोकल से याद आ जाएगी। इसमें ई अंदर बैठा है, अंदर बैठा है तो कैसे बैठोगे आप, अंदर बैठे हो तो शांति से बैठे हो, यानी इस क्वाइट का मतलब शांति, यानी काम। अब ये काम वर्ड मतलब काम डाउन बोला करते हो, ये वही काम वर्ड है। तो क्वाइट मतलब शांति। और इसमें देखिए ई कहाँ है, बाहर है। कैसे बाहर है, कंप्लीटली बाहर है, पूर्णतया बाहर है। तो इस कंप्लीटली के सेंस के लिए हम इस क्वाइट का यूज करते हैं। तो मेरी ये ई वाले लॉजिक से आप इस वर्ड को याद रखना मेरी स्टाइल में, कि पहले वाले में ई छूट गया मतलब छोड़ना, दूसरे वाले में ई अंदर बैठा है कैसे बैठा है शांति में, तीसरे वाले में ई बाहर है कैसे बाहर है, पूर्णतया बाहर है। तो ये कंप्लीटली के सेंस के लिए हम इस क्वाइट का यूज करते हैं। ठीक, अब आ जाओ अपनी वॉकेब्स में। तो ये देखिए यहाँ पे क्विट है, क्विट मतलब छोड़ना। अब देखना ये वॉकेब्स से ही मैं कुछ और कलाकारी कर रहा हूँ। क्या छोड़ना, सी के नीचे अंडरलाइन किया, सी से क्या क्राइम याद नहीं कर पाओगे आप लोग, हैं? यानी कि छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, क्राइम। वही एक्विट का मतलब होता है फ्री फ्रॉम क्राइम, यानी अपराध से मुक्त होना, रिहा होने के लिए हम एक्विट यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्विस। एक्विस को शुद्ध हिंदी में मौन स्वीकृति, बे मन से स्वीकृति देना, वो एक्विस कहलाता है। इसको याद करने के अगर एक मैं आपको बात बताऊं, जैसे आपके घर में एक टू व्हीलर आनी है, पिताजी है ना कह रहे हैं कि यार स्कूटी ले लो, मैं भी मार्केट चला जाऊंगा, घूम आऊंगा, मैं भी सब्जी भी ले आऊंगा। नहीं, लेकिन आप अड़े पड़े हो, नहीं पापा पल्सर लेनी है, अपाचे लेनी है, वेंजर लेनी है, यानी आप बड़ी बड़ी गाड़ी का है ना वहाँ पर डिमांड रख रहे हो। अब पिताजी सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है यार, फोर एक आनी है गाड़ी, तो वो भी बेमन से मतलब दे दिया तुम्हें चेक या पैसे दिया, जाओ ले आओ। लेकिन उन्होंने स्वीकार तो किया, लेकिन कैसे स्वीकार किया, बेमन से मौन स्वीकृति दी है। उन्हें इंटरेस्ट नहीं था कि तुम है ना इतनी बड़ी गाड़ी लेके आओ, मैं भी ना चला पाऊँ। तो वो है आपका है ना एक्विस कहलाता है, एक्सेप्ट पैसिवली, यानी मौन स्वीकृति देना, मैं बेमन से स्वीकृति। इसको भी याद करने एक छोटा सा तरीका देखिएगा जरा मेरी क्रिएटिविटी, जहाँ अंडरलाइन जो QUIE और इसमें मैंने एक टी ऐड कर दिया है। अब देखिएगा मिला के पढ़िए, तो क्वाइट क्वाइट इधर आइएगा जरा, क्वाइट यहाँ देखिए क्वाइट है, और क्वाइट मतलब शांति होती है। और यहाँ पे भी मैं क्या कह रहा हूँ कि शांति से क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, बेमन से स्वीकार कर लेना, वो एक्ट विषय आप ऐसे याद रख सकते हो। लेकिन आप लोग इसमें टी ना जोड़ना, मैंने आपको याद कराने के लिए इसमें टी लिखा हुआ था। ठीक, तो एक्विस मतलब मौन स्वीकृति। अगला वर्ड है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मतलब अनफ्रेंडली होता है, यानी कि बेमन से बात करना, रूडली बात करना, निष्ठुर के सेंस के लिए है ना वो हम एक्रीमोनियस यूज करते हैं। और मैं देखता हूँ कि अक्सर दोस्त दोस्त नहीं रहते हैं, किसकी वजह से, मोनी मोनी नहीं बोलिए, मनी बोल लीजिए, चाहो तो मोनी बोल लीजिए, कि मोनी के पीछे है ना दोस्त दोस्त नहीं रहता है, और पैसों के पीछे भी दोस्त दोस्त नहीं रहता है, तो अनफ्रेंड हो जाता है। तो उसी से एक्रीमोनियस याद रखे, जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ वहीं से याद रखना बात को। अगला वर्ड है एक्यूमैन, और मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ मैन, MEN। अपने पूरे पृथ्वी में अगर हम है ना इंटेलिजेंस की बात करें, तो कौन सा प्राणी इंटेलिजेंस माना जाता है, और वो है आदमी। एक्यूमैन, आप मैन से याद रखना कि ये मैन क्या है, इंटेलिजेंस है।
अगला वर्ड है एडेज। एडेज कहावत होती है, एडेज मुहावरा होता है, प्रूवर्ब इसी का सिनोनिम, डिक्टम इसी का सिनोनिम, सेइंग इसी का सिनोनिम। और याद करने का तरीका ध्यान देना, इस एड को मैं क्या ओल्ड नहीं लिख दूं, बोलूं याद करने के लिए। ओल्ड एज के लोग यानी बड़े बुजुर्ग लोग अब क्या कहते हैं, सिर्फ कहावतें ही कहा करते हैं, कहानियां ही सुनाया करते हैं। तो एडेज मतलब कहावत होती है, ठीक, मुहावरा होता है। अगला वर्ड है एडामेंट, बड़ा पॉपुलर वर्ड है, बहुत जमाने पहले इस ये वर्ड अक्सर है ना रिपीट होते थे एसएससी के पेपर में। तो एडामेंट मतलब ये आपका अरियल होता है, सॉरी ये गलत लिख गया, सेइंग यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आप स्टबॉर्न लिख लीजिए। स्टबॉर्न मतलब जिद्दी होता है, अरियल होता है। याद करने का तरीका ध्यान देना, ए को हिंदी में क्या लिखते हैं आ, डी को हिंदी में क्या लिख सकते हैं ये देखिए, और इधर ए से आ की मात्रा। अब जरा इसको मिला के पढ़िए, अड़ा अड़ा यानी अड़ा हुआ, अड़ियल जिद्दी। तो उस एडामेंट के सेंस के लिए हम अड़ियल यूज करते हैं, स्टबर्न इसी का ही सिनोनिम्स है। ऑडासिटी, ऑडासिटी भी इसी का ही सिनोनिम्स है, ऑडासिटी यानी ये भी आपका अड़ियल के सेंस के लिए यूज करते हैं, जिद्दी के सेंस के लिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडजंक्ट। एडजंक्ट मतलब कि ज्वाइन करना, जोड़ने के सेंस के लिए, सम्मिलित के सेंस के लिए हम यूज करते हैं। तो यही देखिए, आप चाहे तो एड से याद करना, चाहे जंक्ट मतलब जंक्शन से याद रखना। जंक्शन आप रेलवे स्टेशन में जंक्शन लिखा होता है, वहाँ पे है ना एक से ज़्यादा ट्रेन जाते हैं, एक से ज़्यादा रूट के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, तो उस स्टेशन में जंक्शन लिख दिया जाता है। तो वही एडजंक्ट मतलब जोड़ना होता है। एडजसेंट भी इसी के सिनोनिम्स है। एडजसेंट मतलब कि ये भी कह सकते हो कि ये होता है प्लेस साइड बाई साइड, यानी कि एक दूसरे से चिपका के रखना यानी एडजस्ट करना, वो एडजसेंट कहलाता है, यानी नजदीक रखना, सम्मिलित करना, वो एडजंक्ट या एडजसेंट, ये सिनोनिम्स है इसी के। अगला वर्ड है एमास। एमास मतलब गैदरिंग होती है, एमास मतलब कलेक्टिंग होता है, एमास मतलब इकट्ठा करना होता है। और इसको याद करने के तरीका देखिए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ मास पे, और मास शायद आप लोग फिजिक्स में है ना ये वर्ड पढ़े होंगे, जिसे हम द्रव्यमान बोलते हैं, और द्रव्यमान मतलब भार होता है, और भार कब होता है जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसी बात से मेरी बात में ये वर्ड याद रखना है, मास मतलब गैदरिंग के सेंस के। नेक्स्ट वर्ड है एड्रॉइट। एड्रॉइट मतलब कुशल होता है, डेस्टर होता है, एक्सपर्ट होता है। और इसको याद करने का तरीका ध्यान देना कि आप कहीं पे भी इंग्लिश पढ़ लेना, कहीं पे भी वॉकअप पढ़ लेना, लेकिन अगर मुझसे पढ़ोगे तो मैं इस वॉकअप में क्या कर दूंगा, कुछ ना कुछ है ऐड कर दूंगा, डबल डी ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैं इस काम में क्या हूँ, एक्सपर्ट हूँ, कुशल हूँ। तो डेक्स्ट्रस कुशल होता है, एड्रॉइट कुशल होता है, एक्सपर्ट। नेक्स्ट वर्ड है एड्यूलेशन। भैया ये भी आपका प्रशंसा करना होता है, लेकिन ध्यान सुनना, मैंने क्लोज मीनिंग भी लिखे, चापलूसी करना यानी कि फ्लैटरी करना, वो एड्यूलेशन क्या रहता है, ठीक, इसमें कोई लॉजिक नहीं, आप लोग अपना लॉजिक बनाए याद करें। अगला वर्ड एडवर्ड। एडवर्ड मतलब होता है टू टर्न द माइंड, मैंने लिखा है टू टर्न द माइंड यानी भटकाना होता है, दिमाग पथ भ्रष्ट करना होता है, वो एडवर्ड। और याद करने का तरीका, इसमें एक रूट वर्ड है V-E-R-D, वर्ड। वर्ड किसी भी स्पेलिंग में आ जाए तो याद रखना उसका सेंस टर्न से है, और यहाँ देखो टर्न मैंने लिखा भी है। आप लोगों ने डाइवर्ट सुना होगा, आप लोगों ने डाइवर्जन सुना होगा, ट्रैफिक पुलिस वाले डाइवर्जन लगा देते हैं, तो उस स्पेलिंग में भी V-E-R-T आता है, तो वहाँ पे भी रास्ता क्या हो जाता है, डाइवर्ट यानी बदल दिया जाता है, आप सीधे नहीं जा सकते, लेफ्ट जाओगे या फिर राइट जाओगे। तो वही वर्ड याद रखना, टर्न के सेंस के लिए यूज करते हैं। तो एडवर्ड मतलब क्या होता है, टू टर्न द माइंड। अफेबल, एफेबल मतलब मिलनसार होता है, प्रियवर होता है, और आप याद कर सकते हो कि वो बंदा जो एबल मतलब योग्य है क्या करने के लिए, अफेयर करने के लिए, अफेयर मतलब कि लविंग करने के लिए, तो वो अफेबल कहलाता है, मिलनसार। उसी का एक सिनोनिम मैंने एमिएबल लिखा हुआ है। एमिएबल ध्यान सुनना, एमी
एम ई भी रूट वर्ड है, एम ई किसी भी स्पेलिंग में आ जाए उसका सेंस फ्रेंड से निकलता है। आप लोगों ने एक एमिटी यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, वो भी इसी का सिनोनिम्स है, उसकी स्पेलिंग में भी ए एम आई आ रहा है। नेक्स्ट है अफ्लिक्शन, कष्ट होता है, अफ्लिक्शन एडवर्सिटी होती है, और अफ्लिक्शन मतलब इन्फेक्शन, क्या राइम वर्ड नहीं बन सकता याद करने के लिए, अफ्लिक्शन मतलब इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से कष्ट होगा, दुख होगा, दर्द होगा, तो अफ्लिक्शन मतलब याद रखना भाई एडवर्सिटी का सिनोनिम्स है। अगला एफ्रंट, एफ्रंट मतलब इंसल्ट होता है, ओपनली इंसल्ट होती है, और ये कैसे याद कर सकते हो, ये देखो फ्रंट के नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो फ्रंट मतलब ओपनली इंसल्ट के सेंस के लिए हम एफ्रंट यूज करते हैं। तो ये कुछ वर्ड हैं जिसमें से कुछ वर्ड आपके पुराने एग्जाम में भी रिपीट हो चुके हैं, इनको मेरे तरीके से मेरी बातें याद रखेगा, वो आपके ऑटोमेटिक याद रहेंगे, जहाँ अंडरलाइन किया है वहाँ पे भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं आपको और भी कुछ वॉकअप्स है ना इसी तरीके से याद कराने की कोशिश करूंगा। यहाँ आपने देखा कि अभी ए लेटर से थी, आगे जो लेक्चर बनेगा वो और भी मैं आपको दूंगा, इसमें से वॉकअप्स और भी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना लाऊंगा, और अलग अलग तरीके से लाऊंगा, जैसे अभी रिटेल वर्ड है, फिर मैं कुछ होमोफोन्स पढ़ाऊंगा आपको, कुछ है ना वर्ड पावर भी यहाँ पे लिखाऊंगा, कुछ बनवर्ड भी बताऊंगा। तो इस तरीके से हम लोगों को इस लॉकडाउन में भी कुछ ना कुछ है ना हम लोगों को हासिल होगा, ताकि जब भी एग्जाम आपको आगे पढ़े तो ये आपके लिए हेल्पफुल। आगे मैं ग्रामर के भी कुछ क्लासेस दूंगा, कुछ क्लास लेके आऊंगा, कुछ लेक्चर पढ़ाऊंगा आगे, तो आप साफ स्टे सेफ स्टे होम, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।